हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मेरे साथ अंतिम प्रहार की सीरीज में अच्छे से जुटे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपका IT का सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, एंड ऑफ द सेशन चल रहा है, मीन्स कि आपका नया करियर स्टार्ट होने वाला है। मेरे को काफ़ी खुशी है आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ें और इसी के साथ हमारे साथ भी कभी कभी जुड़े रहें, ठीक है। 8 क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन, इधर उधर की बातें आखिरी वीडियो में करूंगा। देखो बोले करेंगे, 2-5 मिनट बात करेंगे तो करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा माइनिंग के टेक्निक्स पूछ रहा है, बताना है। देखो डेटा माइनिंग के अपन ने इंपॉर्टेंस बोल दी, डेटा माइनिंग की अब टेक्निक भी एक क्वेश्चन बन के आ रहा है। एक बोल रहा है डेटा जनरलाइजेशन और एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ। देखो डेटा माइनिंग अपन ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट, यही लिखा हुआ होगा, एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज फ्रॉम द लार्ज सेट्स, यही है, बस चीज़ें घुमा घुमा के लिखी हुई है, ठीक है। अब डेटा जनरलाइजेशन और एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन क्या है, जब हम डेटा को जनरल डेटा कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर डेटा माइनिंग करते समय हम जनरल डेटा में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जनरल डेटा में कन्वर्ट कर देना का मतलब राउंड ऑफ कर देने का है, राउंड ऑफ कर देने का है, अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेने का है, और जो एट्रीब्यूट मिलते जुलते हैं उनको भी उसी में शामिल कर लेने का। मींस के सेम एट्रीब्यूट एक ग्रुप में रख देते हैं हम, सेम एट्रीब्यूट को एक ही ग्रुप में रख देते हैं, है ना, तो उससे हम अवॉइड कर देते हैं। मींस के डेटा को जनरल कर दिया, मींस के स्पेसिफिक किसी डेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जनरल डेटा की बात हो रही है। जैसे कि अगर मैंने MBA के लिए बात करी, है ना, अब मैंने बात करी कि व्हाट इज द स्कोप इन द MBA HR का, चलिए IT का सब्जेक्ट है तो IT बात कर लेते हैं, MBA IT का क्या स्कोप है, है ना, तो मैंने यहाँ पर मैंने जनरल बात करी। अब मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से क्या स्कोप है, इस पर्टिकुलर दूसरे कॉलेज में क्या स्कोप है, IIM में क्या स्कोप है, तीन कॉलेजेस के डिफरेंट बात नहीं हो रही। यहाँ पर मैंने डेटा को जनरल कर दिया है, यानी कि क्वेश्चन भी जनरल हो गया है, तो यहाँ पर डेटा भी मेरे को कैसा चाहिए, जनरल चाहिए। तो ऑन एन एवरेज जब हम चीज़ें ले लेते हैं तो उसको डेटा जनरलाइजेशन बोलते हैं। और एनालिटिकल, जब मैं इसमें एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहा हूँ, यानी किसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैंने डेटा सेट बना दिया है, तो उसको एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। दो तरीके होते हैं, देखो एक तो डेटा को जनरल कर देना यानी कि राउंड ऑफ कर देना, और एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर चले जाना जिसको एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर डेटा जनरलाइजेशन की बुकिश डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डेटा जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा बाय रिप्लेसिंग रिपीटिवली लो लेवल ऑफ वैल्यू, यानी कि जो लो लेवल पर रिपीटिव हो रहे हैं उनको सबको एक साथ मान लिया, यानी कि आप 5 जने एक साथ, एक एग्जांपल देते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक बार मेरे को कहीं पे एक शो होस्ट करने का मौका मिला, यूजुअली शादियों में कभी कभी हम शो होस्ट करने भी पहुंच जाते थे, घर परिवार की शादी थी, 7-8 बच्चे एक साथ डांस करने के लिए आ गए, 2-3-4-5 साल के, और बड़ों को भी डांस थे, कुछ 8-10 डांस थे। तो हमने ऐसा करा, 7-8 जो बड़े थे डांस, उनका डांस एक एक करके करा दिया, और जो 6-7 बच्चे थे, 6-7 भी नहीं ज़्यादा ही थे, उन सबका एक ही सॉन्ग के ऊपर सबको एक साथ डांस करा दिया, जबकि सब अलग अलग डांस करने में आए थे। ये था डेटा जनरलाइजेशन करना, मतलब उस पूरे ग्रुप को एक मान लेना, ठीक है। तो इसमें जो लो लेवल की वैल्यूज होती है उनको हम सबको एक मान लिया गया, बच्चे भी खुश हो गए और पब्लिक जो इतने सारी आई हुई थी उन सबका टाइम था वो भी थोड़ा सा बच गया, तो इसको डेटा जनरलाइजेशन बोला। ये मैंने प्रैक्टिकल किया, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी कि जो लो लेवल ऑफ सेट वैल्यूज हैं उनको हमने जनरलाइज कर दिया। अब एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट, यानी कि किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की जो इंपॉर्टेंस है उसको आइडेंटिफाई कर लो और उसको अलग कर लो। एट द डेटा सेट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इज अ पर्टिकुलर डेटा माइनिंग टास्क, यानी कि मान लेते हैं मेरे को बेस्ट IT स्टूडेंट की तलाश है, बेस्ट IT स्टूडेंट की तलाश, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर होंगे, एक मार्क्स होगा, उसका कोडिंग का नॉलेज होगा, स्किल सेट होगी, और कोई अचीवमेंट उसने किया है तो वो होगा। तो ये मेरे कुछ बेसिक पैरामीटर हो गए, इसमें से भी सबसे मोस्ट मैंने उसको क्या मान लिया कि उसको कोडिंग या SEO का नॉलेज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज है, तो ये मैंने उसको मान लिया। जब मैंने ये चीज़ मानी है तो ये होगा हमारा एनालिटिकल
कैरेक्टराइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर को मैंने मान के अदर को इरिलेवेंट मान के या लेस रिलेवेंट मान के जब मैं डेटा माइनिंग करने जा रहा हूँ तो वो एनालिटिकल हो गया। जब मैं लो लेवल के जो डेटा सेट हैं उनको सबको ग्रुपिंग कर देता हूँ तो वो डेटा जनरलाइजेशन हो गया। दोनों सिंपल प्रोसेस है, क्लियर हो गया आपको? यहीं तक था इस वीडियो के अंदर। एप्लीकेशन की दो डेटा माइनिंग की दोनों टाइप्स अपन ने देख ली, डेटा माइनिंग की एप्लीकेशंस भी अपन ने देख ली इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो में। जस्ट नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है पिटारे में, कौन सा क्वेश्चन है। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। जय हिंद।